राजस्थान राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को होने वाला चुनाव दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने गुजरात के बाद अब कांग्रेस को राजस्थान और कर्नाटक में भी उलझा दिया है। पार्टी की कोशिश इन दोनों राज्यों में कांग्रेस में जारी अंतर कलह का फायदा उठाने की है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। भाजपा से अपने विधायकों को बचाने के लिए राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पार्टी विधायकों को एक रिजॉर्ट में भेज दिया है। वहीं सबको चौंकाते हुए सीएम अशोक गहलोत गुरुवार की रात विधायकों के बीच में ही रिजॉर्ट शिव विला में ठहरे, जिससे विधायकों को अपनापन महसूस हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायकों की बैठक अब शुक्रवार को हो रही है। कांग्रेस बीटीपी और निर्दलीय विधायक अब 19 जून तक रिजॉर्ट में ही रहेंगे, जिससे किसी भी सूरत में एक भी वोट इधर से उधर ना हो पाए। इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान भी सतर्क है, इसलिए कई राज्यों के कांग्रेस नेताओं का जयपुर में जमावड़ा कराया जा रहा है, जिससे कोई विधायक टूट ना पाए। संख्या बल के हिसाब से इनमें से कांग्रेस को 2 और भाजपा को 1 सीट मिलनी तय है, लेकिन भाजपा ने 2 उम्मीदवारों को उतार कर चुनाव को रोचक बना दिया है। दरअसल चर्चा यह है कि कांग्रेस ने जिन 2 नेताओं को चुनाव में उतारा है, उनमें केसी वेणुगोपाल की उम्मीदवारी से पार्टी का एक गुट खुश नहीं है। भाजपा की निगाहें इसी असंतुष्ट धड़े पर है। राज्य में एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 51 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस के पास आधिकारिक रूप से 107 तो भाजपा के साथ 75 विधायक है। इस दृष्टि से भाजपा को अपना दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए 27 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस ने भाजपा को सेंध लगाने का मौका नहीं दिया तो उसे एक ही सीट पर संतोष करना पड़ेगा, राज्य की एक भी सीट पर संकट ना हो, इसीलिए खुद सीएम गहलोत मोर्चा संभाले हुए हैं। इस राजनीतिक घमासान के बीच बयानबाजी का दौर भी काफी पहले से शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात बीजेपी पर विधायकों को 25 करोड़ रुपए का लालच देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी में शिकायत कर विधायकों को लालच देने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी। एसीबी में की गई शिकायत को लेकर राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो गैर कांग्रेसी विधायकों को एसीबी का डर दिखाकर निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रही है। वहीं सीएम गहलोत के विधायकों को 25 करोड़ रुपए का लालच देने के आरोप पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस की कश्ती बचा पाते हैं, या फिर यहां भी भाजपा अपना वर्चस्व स्थापित करती है।